हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज गाइस आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट कराने वाली हूँ, जो कि है आपका बलबन के बारे में। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बलबन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी एंड बताया था कि किस तरह से इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर जो गुलाम वंश था उसके अंदर बलबन ने किस तरह से अपना योगदान दिया। सो गाइस, उसी बलबन से ही रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए 5 से 6 वीडियोस हिस्ट्री की बना चुकी हूँ, उन सभी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो गाइज, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था एंड गाइज, आज का जो हमारा पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मेवातियों व राजपूतों के विद्रोह का दमन। सो गाइज, बलबन के टाइम पे राजपूतों की जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सो गाइज, उनसे रिलेटेड पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, फटाफट से हम डिस्कस करते हैं। मेवाती अजमेर क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था। मेवाती राजपूतों की सहायता से लूटपाट की नीति अपनाते थे, जिससे सल्तनत को आर्थिक हानि तथा कानूनी व्यवस्था की समस्या से ग्रस्त कर दिया था। बलबन ने इनके खिलाफ रक्त और लोहे की नीति अपनाई। बलबन ने दिल्ली से बाहर घने जंगलों को काट कर चारों दिशाओं में 4 किले, जलाली, कंपीली, पटियाली, भोजपुर बनवाए थे। इन किलों पर अफगान सैनिकों को नियुक्त किया तथा चारों दिशाओं से मेवातियों को घेर कर क्रूरता से उनका दमन किया। बलबन ने चिरहागी को संदेश देने के लिए भी अपने कुछ अमीरों को, जैसे कि मलिक बकबक को, सभी के सामने 100 कोड़े लगाए। मलिक हैबत खां को साधारण से अपराध पर कठोर दंड दिया। इस प्रकार बंगाल अभियान में असफल हुए अमीरों मलिक त्यागी मलिक आमीन खां को कठोर दंड दिया। इसी प्रकार बंगाल अभियान में असफल हुए मलिक अमीर त्यागी और मलिक अमीन खां को, सॉरी गाइस, ये लाइन यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं। तो गाइस, इस वाले पॉइंट के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि बलबन के टाइम पे जो राजपूत थे और जो मेवाड़ के जो लोग थे, जिन्हें मेवाती कहा जाता था, उन लोगों ने अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट मचा रखी थी। बेसिकली गाइस, इस लूटपाट का जो मेन जो मोटिव होता था वो यही होता था कि किसी भी तरह से जो ये एक मुस्लिम शासन भारत के अंदर शुरू हो गया था, इसको ख़त्म करना। सो गाइस, इसीलिए वो लोग बार बार अजमेर के आसपास के एरिया में लूटपाट करते थे, जिससे दिल्ली सल्तनत को आर्थिक हानि तो होती ही थी, साथ ही जो कानूनी व्यवस्था थी वो भी ख़राब होती थी। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बलबन ने क्या किया? बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। तो गाइस, रक्त और लोहे की नीति के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा कठोर कदम उठाए। उसने क्या किया, दिल्ली के बाहर का जो भी एरिया था उसके आसपास घने जंगलों को काट कर चारों दिशाओं में 4 किले बनवाए, जिनका नाम था जलाली, कंपीली, पटियाली और भोजपुर। तो गाइस, इन किलों के नाम अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन किलों पर अफगान सैनिकों को तैनात किया। अफगान सैनिक खुखार हुआ करते थे, तो इसलिए उनको तैनात किया और चारों ओर से मेवातियों को घेर कर क्रूरता से उनका दमन किया। इसके अलावा गाइस, बलबन के सामने इस वक्त एक और अच्छा मौका आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक तीर से 2 शिकार किए जाएं। तो गाइस, बलबन के टाइम पे चिरहागनी के जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसके थ्रू, यानी कि मेवातियों के थ्रू, वो इन लोगों को भी एक अच्छा सबक सिखाए। और इसलिए गाइस, उसने क्या किया, उसने कुछ अमीरों को, बेसिकली गाइस उस टाइम के जो कुछ लोग थे, इम्पोर्टेंट लोग थे, जो कि अपने काम करने में असफल हुए थे, जिनमें से एक का नाम है मलिक बकबक, उसे 100 कौड़े लगवाए। और इसके साथ ही जो मलिक हैबत है उनको साधारण से अपराध के लिए कठोर दंड दिया। सो गाइस, इस तरह से उसने जो भी उसके टाइम पे विद्रोह करता था बलबन के टाइम पे, या एक छोटी सी भी गलती किसी से हो जाती थी तो बलबन उनको बहुत कठोर दंड देता था, ताकि उसके सामने कोई भी खड़ा होने की हिम्मत ना करे। सो गाइस, आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल के विद्रोह का समाधान।
बलबन के समय तुगरियल खान ने, जो बंगाल का इक्ताधार था व बलबन का दास था, ने विद्रोह किया व स्वतंत्र हो गया। बलबन ने मलिक अमीन खां को विद्रोह को दबाने भेजा। इसके असफल होने पर अमीन खां को दंडित किया। आगे बलबन ने तागीर को भेजा, जो कि तुगरिल से मिल गया। बलबन क्रोधित हुआ तथा स्वयं अभियान किया। ये बलबन का एकमात्र ऐसा अभियान था जब वह दिल्ली से बाहर गया। बलबन ने क्रूरता से विद्रोह का दमन किया। तुगरिल खां व तागीर तथा उनके वफादारों का सामूहिक कत्ले आम किया। इसके बाद बलबन ने छोटे पुत्र बुगार खां को बंगाल का इक्तदार बना दिया तथा हिदायत दी कि विद्रोह करने पर उसका भी यही हाल होगा। सो गाइस, बंगाल हमेशा से ही हमारे इतिहास के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है। सो गाइस, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी बंगाल में टाइम टाइम पे विद्रोह होते रहते थे, फिर चाहे वो इल्तुतमिश का समय हो, रज़िया सुल्तान का समय हो या फिर बलबन का समय हो। तो गाइस, बलबन के टाइम पे भी एक बलबन का ही एक गुलाम था जिसका नाम था तुगरिल। उसने तुगरिल खां उसने बंगाल में विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। बलबन ने इस विद्रोह को रोकने के लिए अमीन खां को भेजा, जो कि इस विद्रोह को नहीं रोक पाया और असफल हो गया, जिसकी वजह से बलबन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अमीन खां को दंडित किया। इसके बाद गए उसने फिर से कुछ लोगों को भेजा, वो लोग जाकर वहीं पे बंगाल वाले जो इक्तादार था उसी से मिल गए। इसके बाद गए बलबन को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उसने क्या किया, वो खुद ही इस अभियान के ऊपर गया। ये पहला और एकमात्र ऐसा अभियान था गाइस जिसके लिए बलबन दिल्ली से बाहर गया था। तो गाइस, उसने क्रूरता से इस दमन को दबाया और उसके बाद जो वहाँ का शासक था, इक्तादार था, उसके छोटे बेटे को वहाँ का इक्तादार बना दिया। तो बेसिकली गाइस, इस पॉइंट के अंदर भी यही बताया गया है कि तरह से जो बलबन था वो अपने किसी भी दुश्मन को अपने आसपास रहने नहीं देता था। गाइज, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर बताया गया है मंगोलों के आक्रमण का समाधान। मंगोल समस्या समाधान के लिए बलबन ने दोहरी नीति अपनाई, कूटनीति। मंगोल आक्रमण में उपहार सहित अनेक दूत भेजे और मित्रता स्थापित करनी चाहिए। सैन्य प्रबंध, बलबन ने मंगोलों को रोकने के लिए निम्नलिखित किलों पर अपने दो पुत्रों को स्थापित किया। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर के किले पर बड़े पुत्र मोहम्मद को बड़ी सेना के साथ स्थापित किया। सुनाम, समान, भटिंडा के किले पर छोटे पुत्र बुगार खां को स्थापित किया। सो गाइस, इस तरह से बलबन ने मंगोलों के आक्रमण को रोका। गाइस, बेसिकली मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि मंगोल जो थे ना, वो उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की दिल्ली सल्तनत के टाइम में कि वो किसी भी तरह से भारत के अंदर आ जाएं, पर दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने मंगोलों को रोक कर रखा। बेसिकली गाइस, मंगोल जो होते थे वो बहुत ज़्यादा क्रूर होते थे। सब ये जानते थे कि अगर एक बार मंगोल भारत के अंदर आ गए तो फिर वो भारत को बिल्कुल बुरी तरह से तहस नहस कर देंगे, लूटपाट मचा देंगे। इसलिए गाइस, जितने भी शासक रहे उन्होंने कभी मंगोलों को भारत के अंदर नहीं आने दिया। सो गाइस, आप लोगों को इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा गाइस, आप लोगों को इन किलों का नाम ध्यान रखना है एंड कौन यहाँ पर तैनात था ये ध्यान रखना है। गाइस, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि इन सब के बावजूद मंगोल व्यास नदी तक का क्षेत्र जीतने में सफल हो जाते हैं। 1285 में तैमूर के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण किया तथा इसमें शहजाद मोहम्मद मारा गया। बलबन ने मोहम्मद को शहीद ए आज़म की उपाधि दी। सो गाइस, इतना सब कुछ करने के बाद भी बलबन के समय में मंगोल व्यास नदी तक आ गए थे। गाइस, मंगोलों को रोकने के चक्कर में जो बलबन था उसका जो बड़ा बेटा था मोहम्मद, वो मारा गया। एंड गाइस, इसीलिए मोहम्मद को बलबन ने शहीद आज़म की उपाधि दी। लेकिन गाइस, फिर भी पूरी तरह से जो दिल्ली जो सेंट्रल पॉइंट था इंडिया का, वहाँ पर उसने मंगोलों को नहीं आने दिया।
तो गाइज आई एम श्योर ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि बलबन संगठनकर्ता के रूप में। सो गाइस हमारे इस वाले पॉइंट के अंदर बताया गया कि बलबन ने सल्तनत का संगठन सुचारू रूप से किया था। उसने दीवान ए अरीज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की, दीवान ए बरीद नामक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। सो गाइस इस तरह से बलबन ने अपनी पूरी सल्तनत को ध्यान रखा। आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यायप्रियता की नीति। तो गाइस न्यायप्रियता की नीति देख लेते हैं फटाफट से। न्यायप्रियता की नीति, तो गाइज इस वाले पॉइंट के अंदर बताया गया कि बलबन ने न्याय पर अत्यधिक बल दिया। हालांकि उसने रक्त की शुद्धता जैसी नक्सलवादी नीति अपनाई तथा प्रशासन में केवल उच्च कुल के तुर्क मुसलमानों को ही शामिल किया, लेकिन आम जनता के लिए वह भेदभाव रहित न्याय करता था। अंततः क्रूर होते हुए भी जनता में वह लोकप्रिय था। बर्नी ने अपने ग्रंथ में बलबन के बारे में लिखा है, जब भी मैं निम्न कुल के आदमी को देखता हूँ मेरी आँखें गुस्से से लाल हो जाती है और हाथ तलवार पर चला जाता है। ईश्वर प्रसाद के अनुसार बलबन उत्तम प्रकार का अभिनेता था। सो गाइस हमारे इस वाले पॉइंट के अंदर बेसिकली ये कहने की कोशिश की गई है कि जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बलबन था वो न्यायप्रिय तो था, लेकिन उसने कुछ कुछ ऐसे काम किए थे जो कि उसकी न्याय की नीति से मिलते नहीं थे, जैसे कि रक्त की शुद्धता। मतलब उसका कहने का मतलब था जो शुद्ध रक्त के लोग होते हैं यानी कि उच्च कुल के लोग होते हैं वही मेरे राजपाट में यानी कि मेरे राज्य में बड़े पदों पर आएंगे। लेकिन गाइस बहुत से इतिहासकार ये भी कहते हैं कि आम जनता के लिए वो भेदभाव रहित न्याय करता था। लेकिन गाइस जो बर्नी है उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है कि वो ये कहता था कि जब भी वह किसी निम्न कुल के आदमी को देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और हाथ तलवार पे चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि बलबन खुद एक गुलाम था फिर भी उसे छोटी जाति के या छोटे कुल के लोग पसंद नहीं थे। इसके अलावा जो एक हमारे अन्य इतिहासकार हैं जो कि जिनका नाम है ईश्वर प्रसाद, वो कहते हैं कि बलबन एक उत्तम प्रकार का अभिनेता था यानी कि वो न्याय करने का सिर्फ अभिनय करता था। इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बलबन के काल में जागीरों की व्यवस्था। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच कराई जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले शासकों द्वारा दी जाती थी। जागीरों से आय एकत्रित करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया और नगद धन देने के आदेश दिए गए, किंतु सैनिकों को वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। उसके समय में वजीर के पद का महत्व घट गया और न्यायब जैसा कोई अधिकारी ना रहा, अर्थात न्यायब के पद को ख़त्म कर दिया गया। उसने ऐसे सैनिकों को जो सेवा के योग्य नहीं रहे हैं पेंशन देकर सेवा मुक्त किया। सो गाइस हमारे इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि गाइस पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी पर्सन कोई अच्छा काम करता था, मान लीजिए कोई सैनिक है उसने कुछ अच्छा किया तो उसको कुछ भूमि दे दी जाती थी इनाम के तौर पे, जिसे कहा जाता था जागीर। तो गाइस जागीरों के बारे में इल्तुतमिश के समय तक कुछ भी ज़्यादा नहीं देखा जाता था, कुछ भी ज़्यादा नहीं किया जाता था। लेकिन जब बलबन आया तब उसे लगा बलबन को कि इन जागीरों से उसे बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने इन जागीरों की जांच करवाई कि कौन सी जागीर किसे दी गई है। इसके बाद उसने क्या किया, जागीरों से आय एकत्रित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को नौकरी पर लगाया और जो अच्छे काम करते थे, जो सैनिक अच्छा काम करते थे जिन्हें जागीरें दी जाती थी उनको नगद वेतन देने का आदेश दिया। इसके बाद उसने क्या किया गाइस, सैनिकों को वेतन लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनके वो पहले की तरह भूमि ही दी जाती थी। गाइस भूमि को जागीर भी बोलते हैं और इक्ता भी बोलते हैं, वो मैं आपको आगे कंप्लीट कराऊंगी आगे की क्लासेस के अंदर। सो गाइस इस तरह से उसने जागीरों से भी अपने आप का फ़ायदा किया एंड वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सो गाइस आई एम श्योर ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 40 दल का दमन तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना। 40 दल का
दमन तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना। सो गाइज ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अंदर बताया गया है गाइज कि बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 सरदारों के दल को समाप्त किया। बलबन के शासन की असफलताओं का मुख्य श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को जाता है। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु हुई थी। तो गाइज यहाँ पर बताया गया है कि बलबन ने इल्तुतमिश के समय जो 40 सरदारों का जो ग्रुप इल्तुतमिश ने बनाया था उसको समाप्त कर दिया। बिकॉज गाइस ये जो सरदार थे ये इल्तुतमिश की मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए थे एंड बलबन को ये डर था कि कहीं वो बलबन को सिंहासन से उतार ना दें। इसके अलावा गाइस बलबन ने गुप्तचर विभाग बनाया जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा उसके जो शासन था उसकी सफलता के लिए। उसके गुप्तचर विभाग को ही श्रेय दिया जाता है। सो गाइज ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दीवान ए अरीज विभाग की स्थापना। बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया तथा एक नए सैन्य विभाग दीवान ए अरीज की स्थापना की। सो गाइज आप लोगों को इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज नेक्स्ट पॉइंट है लोहे एवं रक्त की नीति। गाइज जितने भी पॉइंट अब यहाँ आने वाले हैं वो सारे पॉइंट ईजी हैं गाइज। सो गाइज मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आई एम श्योर आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन ने कठोर लोहे एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। इसके अलावा गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि दरबारी विद्वान। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर ए खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गाइस अमीर ए खुसरो इतिहास के बहुत ज़्यादा फेमस वो कवि रहे हैं गाइस, जिनको भारत का तोता भी कहा जाता है, पैरट ऑफ एशिया कहा जाता है अमीर खुसरो को। इसके अलावा गाइज अमीर हसन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर रहे हैं जो कि बलबन के दरबार में थे। अमीर खुसरो ने अपना ऐतिहासिक जीवन शहजाद महमूद के संरक्षण में शुरू किया था। इसके बाद गाइज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बलबन की मृत्यु। सो गाइज आई एम श्योर अभी तक के जितने पॉइंट मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो गाइज तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। सो गाइज अब हम हमारे लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज इस पॉइंट के अंदर बताया गया कि 1286 ई में बलबन की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका पौत्र के कुबाद उत्तराधिकारी हुआ। ये एक विलासी एवं कामुक व्यक्ति था। प्रमाण स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया तथा राज दरबार अमीरों के उच्च आकांक्षाओं एवं संघर्षों की गिरफ्त में आ गया। अमीरों के एक गुट अरीज ए ममलिक मलिक फिरोज यानी कि जलालुद्दीन ने 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक केकुबाद की हत्या करके राजसत्ता अधिकृत कर खिलजी वंश की स्थापना की। इस प्रकार सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हुआ। तो गाइस बलबन की जैसे ही मृत्यु होती है तो गुलाम वंश के अंदर बाद के जितने भी शासक हुए उनमें से कोई भी शासक योग्य नहीं था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पोता शासक बना, लेकिन गाइस ये बिल्कुल विलासता में लीन रहता था और एक बिल्कुल बेवकूफ़ शासक था, जिसके प्रमाण स्वरूप हुआ ये कि जो दूसरे व्यक्ति थे उनका राज दरबार में वो ओहदा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो पूरा राज दरबार है वो एक शासक के हाथ से निकलकर अमीरों के एक गुट के हाथ में आ गया, जिसका जो सरदार था वो था जलालुद्दीन। गाइस जलालुद्दीन वही पर्सन है जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। तो गाइस इस तरह से बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंत हो गया और जो एक नया वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर आया वो था खिलजी वंश। गाइस खिलजी वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलजी वंश का एक क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है एंड वो क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था।
सो गाइज मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी कंप्लीट कराऊंगी, वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि अभी तक के मैंने जितने पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया आपको समझ आ गए होंगे। तो गाइज आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ गाइज चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा।